फ्रेंड्स, क्या आपके हिबिस्कस प्लांट में पीली पत्तियां पड़ रही है और फूल झड़ रहे हैं? तो आज मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है और इसे कैसे रोकना है। और साथ ही अगर आपके हिबिस्कस प्लांट में फंगस लग गई है तो उसे भी हम किस तरीके से हटा सकते हैं, ये देखने के लिए देखते रहिए मेरे इस वीडियो को और ध्यान से हर एक स्टेप को फॉलो करें कि ये वाइट फंगस और जो पत्ती पीली पड़ रही है उसे किस तरीके से रोका जाए। ये देखिए फंगस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हमें इसे किस तरीके से हटाना है इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। और आप अपने हिबिस्कस प्लांट में ज़्यादा फूल भी पा सकेंगे और ये जो बैक्टीरिया से वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका प्लांट हरा भरा हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। ये देखिए सिर्फ ऊपर की टहनियों में ही नहीं बल्कि नीचे जो मैंने इसके रूट्स को ओपन किया तो वहीं पर भी ये जो वाइट फंगस है दिखाई दे रही है। ये देखिए अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है। आपको क्या करना होगा कि आपको आपके हिबिस्कस प्लांट का जो रूट है उसे ओपन करना है, हर साइड से उसे गुड़ाई कर लीजिए और फिर आपको उसमें नई तरीके से खाद कंपोस्ट और सोइल मिक्स करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो ये जो काउडंग है हम उसे डालेंगे, उसके बाद ये जो मेरे पास कंपोस्ट है ये कंपोस्ट हम ऐड करेंगे। काउडंग पहले डालेंगे उसके बाद कंपोस्ट, और बाद में जो मिट्टी निकली है उसकी वो हम नहीं नाखेंगे क्योंकि उसमें अगर जो फिर से वाइट फंगस होगा कीट होंगे तो वो फिर से लगेगा। तो आपको पुरानी मिट्टी नहीं डालनी है, नई सोइल डालें। देखें किस तरीके से मैं करता हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा चूना डालेंगे, उसमें क्या कैल्शियम होता है और हमारे रूट्स को थोड़ा सा कैल्शियम भी मिल जाएगा और ये फंगस भगाने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो ऐड करें थोड़ा सा चूना। पेड़ के लिए कैल्शियम और न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने कैल्शियम ऐड कर दिया है, अब काउडंग ऐड करेंगे। काउडंग का आपको अच्छे तरीके से चूरा करना है और चूरा करने के बाद आपको ऐड करना है।
अब ऐड करेंगे कंपोस्ट। ये देखिए हमारा कंपोस्ट खाद और काऊ डंग मिक्स हो चुका है। अब बारी है वाटरिंग की, तो हम इसे शावर की हेल्प से वाटरिंग करेंगे। अब कुछ ही दिन में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी इस तरीके से किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। अब इस ट्रीटमेंट के बाद जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में तो जुड़े रहे मेरे इस चैनल से। थैंक यू।